हेलो एवरीवन, आज हम इन सभी चीज़ों का यूज़ करके राखी बनाएंगे। सबसे पहले हम क्लॉथ पिन लेंगे और धागा लेंगे जिससे हमें राखी बनानी है। धागा उतना ही लंबा लें जितनी लंबी आपको राखी बनानी हो। धागे को क्लॉथ पिन के नीचे दबाते हुए स्टडी टेबल के किनारे पे हम सेट कर देंगे। चेक कर लें धागा टाइट हुआ है नहीं। धागे के दूसरे सिरे पे हम नेल पेंट लगा देंगे और उसे कुछ देर सूखने के लिए छोड़ देंगे। इससे हमारा धागा जो है, धागे का किनारा जो है वो टाइट हो जाएगा और हम मोती आसानी से पिरो सकेंगे, ताकि हमें नीडल की कोई ज़रूरत ना पड़े इसमें। सुई से फिर बच्चों को मुश्किल होती है बनाने में राखी। अब दूसरा एक धागा लेंगे हम, जो सेम इसी साइज़ का होगा, लेकिन उसे दो बराबर भागों में डिवाइड करते हुए हम पहले धागे के नीचे से डालकर बांध देंगे। ये सिंपल सा गांठ है जो हम नॉर्मली किसी भी रस्सी में बांधते हैं, और बस इसी गांठ का काम है पूरे के पूरे राखी में। अब बस दूसरे धागे को नहीं छुएंगे, सिर्फ एक धागे को पहले धागे में डालते हुए हम गांठ बांधते जाएंगे। यही प्रोसेस हमें पर्ल डाल डालकर भी करना है। बीच में मोती लगाएंगे और फिर यही करेंगे। ये राखी बहुत ही सुंदर बनती है। इस राखी को बनाने के लिए मैंने बस प्रोसेस थोड़ा इजी किया है, क्योंकि मुझे भी समझ नहीं आ रहा था कि राखी धागा को कहाँ बांधूं। ये चीज़ें मेरे लिए भी थोड़ी टफ हो रही, तो फिर मैंने ये तरीका निकाला। ये धागा जो मैंने यूज़ किया है वो बद्धी वाला धागा कहते हैं यहाँ पे, या मोटा धागा है। किसी भी मनिहारी शॉप पर आपको मिल जाएगी ये ईजीली। मैंने राखी जो बनाई है वो या तो मौली धागे से बनाई है या रेशम के धागे से बनाई है। मुझे लगता है ऊन की राखी बनी हुई राखियाँ मुझे पसंद नहीं है, इसलिए मैंने इन दोनों चीज़ों से ही बनाई है। एक मैंने मौली धागे से बना हुआ राखी भी, उसका भी वीडियो बनाया है, आप मेरे चैनल पे जाकर चेक कर सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करके जाएँ, शेयर करें, कमेंट करके बताएं प्लीज़ कि आपको ये राखी कैसी लगी, या कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज़ कमेंट करके पूछ सकते हैं आप मुझसे। कमेंट का सेक्शन जो है वो ऊपर को आ गया है। अब यहाँ पे जब राखी बन गई है हमारी पूरी, तो फिर यहाँ पे दो टाइट करके गांठ लगा देंगे और बाकी बची हुई जो बचा हुआ धागा है उसे कट कर देंगे। अब ताकि हमारा ये धागा खुल ना जाए, ये बहुत छोटे छोटे धागों से बना हुआ है, तो इसके लिए मैंने यहाँ पे नेल पेंट लगा दिया है। आप फेविकॉल भी यूज़ कर सकते हैं, कुछ लोग लाइटर भी यूज़ करते हैं इसके लिए, लेकिन वो सेफ़ नहीं है इसलिए मैंने वो यूज़ नहीं किया। अब राखी के लास्ट सिरे पे हम थोड़ा सा उसका धागा खोल कर यहाँ गांठ बांध देंगे, ताकि वो ज़्यादा खुले ना। दोनों तरफ हम यही कर देंगे। अब ये राखी हमारी बनकर तैयार है। आपको यह राखी कैसी लगी प्लीज़ ज़रूर बताना आप। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।